So, hello friends, today we will discuss about the salt hydrolysis. तो salt hydrolysis जो है ये आपका neutralization का reverse होता है. तो जैसे आप लोग acid plus base को डालते हैं तो आपका salt plus water बनता है, ठीक है. तो इसी तरीके से जो आपका इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है, इसको आप लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं. कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं कि आपके जब आप उन्हें वाटर में डालते हैं तो वो आपके एसिडिक या बेसिक करेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. जैसे मान लीजिए आपका Na2CO3 है, इसको आप वाटर में डालेंगे तो सॉल्यूशन की जो पीएच है दैट इज ग्रेटर देन 7 हो जाती है, यानी वो बेसिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है. प्रोड्यूसेस. अब जैसे आप NH4Cl लेते हैं, वाटर में डालते हैं तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है. यहां पर पीएच इज ग्रेटर देन 7, यहां पर पीएच इज लेस. इस तरह की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें आपका सॉल्ट जो होता है ये एसिड प्लस बेस में टूट जाता है. तो इसमें जो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़ते हैं. तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आपके एसिड और बेस, इनके दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग. तो टोटल जो है आपके चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सॉल्ट के. एक तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है. और तीसरा आपका वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, आपका वीक बेस. तो ये चार कॉम्बिनेशन है जिनके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में हम लोग को आगे डिस्कस करना. सो हमारे पास चार केसेस है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के. फर्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. दूसरा है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. तीसरा है आपका वीक बेस एंड वीक एसिड सॉल्ट. चौथा है आपका स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. तो इसमें जैसे आपका एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड और NaCl का, दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एग्जांपल है जैसे अमोनियम क्लोराइड, और इसका एग्जांपल है जैसे आपका अमोनियम एसिटेट, और इसका एग्जांपल है आपका सोडियम एसिटेट, ठीक है. तो इसमें से जो फर्स्ट वाला केस है इसका तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, और आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, और ये तीन जो केसेस हैं आपको ये डिस्कस करना है. इसमें आपको हर एक में जो है पीएच को निकालना है. पीएच मतलब आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, एच को करना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है. ये आपकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच अल्फा की तरह होती है, और सॉल्यूशन की पीएच निकालना है. पीएच यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे को निकालना है. तो
तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ये तीन चार जो पॉइंट्स हैं हमारे को इनको डिस्कस करना है और इनके हम वन बाय वन जो है इन सबका डिस्कशन करें। So, this is the question. The pH of 0.1 molar solution of salt increases in the order. तो इसमें आपके पास चार है NaCl, NH4Cl, NaCl and HCl. ठीक है, तो इनमें सबसे कम पीएच किसकी होगी और इन्हें इस ऑर्डर में हमें अरेंज करते हैं। तो ये तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, टेन की पावर माइनस वन मोलर सॉल्यूशन है, तो इसकी पीएच सीधा ही आपकी बंद हो जाएगी, तो ये इसकी पीएच सबसे कम होगी। उसके बाद ये आपका एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, जिसमें आपका जो है बेस जो है वो वीक है और एसिड इसका कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका NH4OH और HCl का सॉल्ट है, तो इसकी पीएच जो है आपकी फिर इसके बाद आएगी। तो इसमें जो आपको सबसे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीएच के बनना है, तो फिर आपका दूसरा आ जाएगा NH4Cl। ठीक है, NaCl में आपके एसिड भी स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है। यदि आप इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड देंगे तो NaOH, और कॉरस्पॉन्डिंग बेस देंगे तो आपका NaCl, तो इसकी पीएच जो आपकी 7 के अराउंड ही होगी। और उसके बाद आपका NaCl होगा, क्यों? क्योंकि NaCl जो है आपका ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का कंपोनेंट है और ये वीक बेस का कंपोनेंट है, तो इसमें ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज होगा। तो आपका जो है बी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन देखनी है H+ में, H+4 में, NaCl और NaOH। तो H+4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और H2S वीक एसिड हो गया, NaCl न्यूट्रल सॉल्ट हो गया और NaNO2 आपका स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, तो आपका जो है इसमें जो पीएच है दैट वुड बी ग्रेटर देन 7, इसमें आपकी पीएच 7 रहेगी, ठीक है, और इसमें आपकी लेस देन 7 होगी, इसमें काफी ज्यादा लेस देन 7 होगी। तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इसमें होगी मैक्सिमम, ठीक है, उसके बाद फिर H2S में, फिर इसमें, फिर इसमें, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन होगा कि NaNO2 में आपके सबसे कम एचाइन्स होंगे, क्योंकि वो एचाइन्स ज्यादा होंगे बेसिक के नेचर में, और चाहे आप इनकी पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशंस लगाकर, तो इसकी सबसे कम होगी और इसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन सबसे कम होगी, उसके बाद आपकी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है, क्योंकि H2SO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें 10 की पावर -2 × 2 एच आयन्स हो जाएंगे। इसमें इसके KD के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, KD के अकॉर्डिंग, और इसमें तो आपके सेम ही होंगे 10 की पावर -7 और इसमें आपके लेस 10 की पावर -7।